एसोसिएट स्पॉन्सर रुचि फूड लाइन, कर लो दोस्ती सेहत से। नमस्कार, ट्विन सिटी टॉप खबर से आरंभ करिबा। बारबाटी धोली एक्सप्रेस रे खबर यात्रा, किंतु आगु को गड़िबा पूर्व प्रथम देखि नबा कोन रहिछि वर्तमान रा हेडलाइंस। पड़ा श्रीलिंगराज रुकुणा रथ दुई वर्ष पर श्रद्धालु को मिलला सुजोग। एकाम्र क्षेत्र में भक्तों प्रबल गहली रथ में बसी मौसी मां मंदिर जाउछंती प्रभु लिंगराज। कोटिपति जंत्री कार्तिकेश्वर पाखरे आउ केते बंधा हेले द्वितीय पत्नी। भुवनेश्वर सालिया साहिर भौणी घर मिललानी कोटिए अधिक टंका। रीआक्टिवेटेड सिम रे ठकई चाकरी कराइबा को कही लगाउछंती चून। तीन ठक गिरफ, 60 लाख टंका ठाब। बहुचर्चित ब्रह्मपुर दंपति तपस्विनी सुमित विवाद मामला। प्रथम थर पर मध्यस्थता केन्द्र में हाजर हेले पति पत्नी। 3 घंटा धरी हेले काउंसलिंग। भुवनेश्वर को मिले प्रथम महिला मेयर। शपथ नेले सुलोचना दास। डेपुटी हेले 22 नंबर वार्डर कर्पोरेटर मंजुलता कहर। दायित्व पर मेयर का आगे समस्या लंबा तालिका। गड़िला श्रीलिंगराज रुकुणा रथ, रथ टाणी को भक्तों प्रबल गहली। दीर्घ 2 वर्ष पर भक्तों गहन में गड़ी रुकुणा रथ। रथर बसी मौसी मां मंदिर जाउछंती प्रभु श्रीलिंगराज। प्रसिद्ध रुकुणा रथयात्रा पर एकाम्र क्षेत्र चलचंचल हो। कोरोना कटकणा हटा पर लिंगराज रथयात्रा देखा केड़ भक्तों स्व छुटी शांति श्रृंखलार सह चली रथटणा। सुरक्षा व्यवस्था को नजर रखी पुलिस पक्ष व्यापक व्यवस्था कर। अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती रथ निकट आम प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, रथटणा वर्तमान भी अव्याहत रही ना रथ अटकला संध्याकरण हवाक जा। पूर्वरु जहाँ थिला कार्यक्रम 3टा बेले रथ टणा प्राय 4टा परे टणा जायतिला सेतिपई वर्तमान कहवा गले किछटा विलंब होईची। सेतिपई आपण जोटा कहतले कि संध्या हेबा को बसिलानी मात्र जो रथ मौसीमा मंदिर पखर टणा कार्य जारी रही। पूर्वरु मध्ये आपण देखुतले जेहेतु शासन पख पुलिस अफिसर विशेषकर रथयात्रा कोहली भाव सुचारू रूपे संपादन जो मैंने भी भक्त आहली भाव भगवान को दर्शन करके सठिक भाव घर को जी से शहे जन पुलिस अफिसर नियोजित होती सहित अन्न्य प्लाटून फोर्स मुतयन होती सुचारू रूपे कोहली भाव संपादन हो एक प्रकार व्यापक प्रस्तुति कर दृश्य जोटा कि वर्तमान बड़ईवां छक रथ क्रस कर बड़ साई आड़ बर्तमान रथ अग्रसर हो देखिपे। जेहेतु पूर्व 2 वर्ष 2020 मसीह महामारी कोरोना कारण संपूर्ण भाव रथयात्रा को बंद कर 2021 मसीह भक्तों को अनुमति मिल नाला रथ टाणी निम्ते केवल मंदिर सेवायत और जो रही पुलिस अधिकारी से द्वारा रथ टणा जाता मात्र चलित वर्ष आप देखिपे बहु संख्यार भक्त उपस्थित रही देखुने जो रथ टाणी सौभाग्य पाँच सहित आप देखुए बहुत संख्यार भक्त मैंने आँचुंट से जो प्रभु को दर्शन करने रथ देखुं सीधा साल दृश्य बर्तमान बड़े आज पुणी आउ थे भक्त मानने भक्त भगवान एकाठी होती बहु संख्यार लोक आ भगवान को दर्शन कर समस्या बंद थी लोकों मन अच्छी छुट्टी दिन सकाशे लोक आसिया इच्छुक छुट्टी दिन आज अच्छी केमी कौन प्रस्तुति देखुं प्रशासन पक्ष जहाँ सब कराए ठीक अच्छे गरम सकाशे
तो आप देखुं ये हूँ जे विलंबरे गोटे घंटा विलंबरे रथ टाणा आरंभ होता कि भक्तों भितर कौन उत्साह फिका पड़ी ना कारण दुई वर्ष पर भक्त को सुजोग मिली महाप्रभु लिंगराज ये रुकुणा रथ को टाणीपाई अशोकाष्टमी अवसर में ये पवित्र रथजात्रा को आवाहन काल अनुष्ठित आसुच्छे आप देखुं रथ बढ़े बांक पखापाखि पहुंची जाइए जो कथा सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि सुशांत साहू मौसी बा मंदिर अभिमुखे मंदिर लिंगराज मंदिर रथ बाहरी तो भक्तों भितर नहीं ना उत्कंठा प्रबल जनसमागम आप देखा पाँच जे प्रभु श्रीलिंगराज रथारूढ़ हो बर्तमान मौसी बा मंदिर अभिमुखे बाहरी ये अशोकाष्टमी अवसर में ये महान परंपरा एकाम्र क्षेत्र में बहु आवाहन काल ये चली आसुची जो माने रही जो रथ दांडर जो रथमार्गर दुई पार्श्वर जो घर गुड़िक रही से घर लोक माने निज निज घरे रही बालकनी में छिड़ा हुई महाप्रभुंकर दर्शन करुछंति रथ टणा मध्य देखुछंति आपण देखुछंति जे किभली भावरे ये चली दुई वर्ष धरी जो भाई भाव में कोरोना कटकणा जो गोटे थर तो रथजात्रा को संपूर्ण बंद कर दिगला 2020 और 2021 भी जो रथ टणा है किंतु से भक्त मैंने जोगदे भक्त मानक अनुमति ना जोगदेवाई केवल सेवायत और पुलिस कर्मचारी मैंने रथ टाणी जो सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि सुशांत साहू आम प्रतिनिधि सेठे अच्छा सुशांत भक्त मैंने केते उत्साहित तो दुई वर्ष पर सुजोग मिली महाप्रभु लिंगराज रथ को टाणी नेवाई आप देखुले कि समय पूर्व आम अनेक प्रतिक्रिया जिते बड़े आम प्रारंभिक पर्यायर लोक मान प्रतिक्रिया नौलु से कथा जो दुई वर्ष बीड़ा भगवान जो चाह ना तेणु मानते कही कर भगवान को जदि भगवान प्रभु लिंगराज चाह न था तेज चलित देखी पारे कि स्थानीय लोक अच्छा घर प्रतिक्रिया ना मौसी कौन कहे दि वर्ष आप देखी पार ठाकुर को आज आप ठाकुर प्रभु देख बहुत आनंदित लगुच बहुत बाधा विघ्न सत्वे भी ये रथ टणा ठाकुर इच्छा भक्ति प्रभु लिंगराज महाप्रभु रक्षा जो रथयात्रा ठीक भाव हुई पार ना चलित बर्ष देखु कौली भाव समागम विशेषकर रथर जो दौड़ी रही दौड़ी को टे कष्ट करने जो भाव बहु संख्यार लोक मैंने समागम होत भगवान रथ जीवन अनेक संख्यार लोक आवल खाली कई स्थान कहानी सहर विभिन्न स्थान लोक आने पुलिस पक्षर कहवा कि प्रशासनिक अधिकारी मान पक्षर कहवा व्यापक भाव व्यवस्था करेखि पार्टी बर्तमान रथ देखि पार्टी गोटे स्थान रही अर्थात बढ़े बांक बर्तमान छक क्रस कर जो बड़ साई से बड़ साई निकट में बर्तमान रथ पहुंची आखि पार्टी कौली भाव लोकों समागम होम सहित आउ कि जन जोड़ आम तक आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे दुई वर्ष गैप होता रथयात्रा हो पार ना आज रथयात्रा होती है जो भाव जनसमागम देखुं कौन बहुत खुशी लगुच बहुत विषय प्रोग्राम नहीं पार्टी बहुत लोगों को भिड़ ठाकुर विषय बहुत भिड़ भल खुशी लगुच भक्त मैंने खुशी भक्त मैंने उत्साहित रथ टणार सुजोग दुई वर्ष पर मिली समस्ते भक्ति में गदगद होती रथ को टाणी नौकर आप देखुं ये प्रभु लिंगराज रुकुणा रथ बढ़ेवांक निकट में पहुंची मौसी मा मंदिर अभिमुखे बाहरी गोटे घंटा विलंबर आरंभ हो रथ टणा कितु भक्त मानते नहीं ना उत्साह नहीं ना गहली आप देखा पाँच रथ दांड जो रही लिंगराज मंदिर रथ बाहर पर ये तार दृश्य आप देखुं अधिक सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि सुशांत साहू बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत बारवाटी धोली एक्सप्रेस रे खबर यात्रा आगे भी जारी रहे किंतु समय गोटे छोटो विरतिर कोटिपति जंत्री कार्तिकेश्वर द्वितीय पत्नी गिरफ भंजनगर जलसेचन विभाग कोटिपति एई
पत्नी गिरफ होती सहकारी जंत्री कार्तिकेश्वर रावल द्वितीय पत्नी कल्पना प्रधान को गिरफ कर विजिलेंस दीर्घ समय पचराउचरा पर कल्पना को गिरफ कर दुर्नीति को प्रोत्साहन और टंका लुचाई अभियोग गिरफ कर कल्पना घर पूर्व 2,41,000 टंका मिले आज कल्पना भौणी घर 1,41,000 टंका जबत कर 360 ग्राम सुना और 1 केजी रूपा जबत हो नुआ बिल्डिंग में चढ़ाव हो आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग गंजाम जिला भंजनगर क्षुद्र जलसेचन विभाग सहकारी जंत्री कार्तिकेश्वर रावल को विजिलेंस गिरफ्त कर आज द्वितीय पत्नी कल्पना प्रधान को बांधि दुर्नीति को प्रोत्साहन देवा तथा टंका लुचाइबार सहयोग करने अभियोग कल्पना को गिरफ्त कर गत काली जेरा बेले कल्पना कही भुवनेश्वर सालिया साहिरे रहुथिबा भौणी घरे टंका और सुना लुचाई आज भोर रे विजिलेंस अधिकारी सेठारे चढ़ाव करी टंका जबत करते कार्तिकेश्वर साली एक झुंपुड़ी घरे रहुथिबा बेले सेठारे एते परिमाण टंका देखि चकित हो जाइछंती विजिलेंस अधिकारी जो कल्पना प्रधान जो होची द सेकंड वाइफ ऑफ कार्तिकेश्वर राउत जार ता पई हमे जो दिन दिन 3 दिन हला डीएसएच करूची ताको हमे आज अरेस्ट करके फॉरवर्ड करूचू फॉर abetting and concealing the ill-gotten money so corrupted money achi seta tara flat re thila aur se madhyo abet karitila disproportionate asset case re abet karitila aur conceal bhi karla so se case re ame taku aji arrest karke forward karuchu to kali ja ame anuman karitlu 4.76 crore assets plus jo hella 580 gram gold ताटू अधिक काली रात्रि जो हमें सैले सही रे जो रेड होता से हमें रिकवरी कर 1.41 क्रोर कैश प्लस 360 ग्राम गोल्ड प्लस 1 केजी सिल्वर प्लस गोटे नुआ घर और इन्वेस्टमेंट भी पाई अराउंड 78 लाख प्री एक्टिवेटेड सिम व्यवहार करी ठकई चाकरी कराई देवा को कही ठकई टेलीकॉम कंपनी टेरिटोरियल सेल्स मुख्य समेत 4 गिरफ होती प्री एक्टिवेटेड सिम नहीं बेकार युवकों करुले टार्गेट अरुण घोष स्मृति रंजन महांति बनांबर प्रधान चुनीलाल पृष्टि गिरफ होती अरुण घोष आकाउंट्रु 60 लाख टंका ठाब हो टंका फ्रीज करने को बैंक को चिठी लिखि साइबर थाना पुलिस भुवनेश्वर अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे साइबर क्राइम एवं इकोनॉमिक ऑफेंस पे जो थाना प्रतिष्ठा है से 2 केस रुजु होता 15 एवं 16 नंबर केस 2022 मसीहार से कंप्लेनेंट जी थिले से माने अभियोग करते जे उत्कल ग्रामीण बैंक रे चाकरी कराई देवाई से माने ठकामी शिकार होती 2 केस रो तदंत समय रे तदंतकारी अधिकारी आईएसी साइबर पुलिस स्टेशन गोटे टेलीकॉम कंपनी रो टेरिटोरियल सेल्स मैनेजर एवं जो पॉइंट ऑफ सेल जो थे सिम कार्ड एक्टिवेशन करी की दिया हुए से दिजन गिरफ होती तांको ठारु टोटल 72 पी एक्टिवेटेड सिम जबत कराई ता व्यतीत जो व्यक्ति ठकी थे प्री एक्टिवेटेड सिम व्यवहार करी अरुण घोष एवं तांकु जी डॉक्यूमेंटेशन रे सहायता करते स्मृति रंजन महांति ए दुजन गिरफ होती तदंत समय जमापड़ी जो अरुण घोष विभिन्न बैंक अकाउंट रे पखापाखि 50 एटीएम खोलते 60 लाख टंका पखापाखि से फिक्स डिपोजिट करते तदंत समय आम जानवा पाइं जो ए 30 अधिक व्यक्ति अति कम्रे जॉब रैकेट ठकामी शिकार होती बहुचर्चित ब्रह्मपुर दंपति तपस्विनी सुमित बिवाद मामलें आसी नुआ मोड़ आज प्रथम थर पर मध्यस्थता केन्द्र में हाजर होते तपस्विनी प्राय 3 घंटा धरी चली काउंसलिंग सफल होती सहित यह काउंसलिंग उभयर पुनः मिलन पर नुआ आशा संचार कर तपस्विनी सेपटे पति पत्नी मध्य आज होता काउनसेंग बाबद सुमित विशेष किसी न कही प्रथम दिन काउनसेंग सफल होता कही सुमित को वकील ब्रह्म
ଯାଜପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦମ୍ପତି ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କାଉନ୍ସେଲିଂ ଟେବୁଲରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ। କଟକ ଆଇନ ସେବା ଭବନରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଓ ପରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। କାଉନ୍ସେଲିଂ ବେଳେ ସୁମିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଦୁଇଜଣ ଯାକର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକର ରାଜି ପାଇଁ ହିଁ ମିଡ଼ିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମର କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତା କେବେ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହୁଏନି। ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଚାହିଁବାରୁ ହିଁ କାଉନ୍ସେଲିଂଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଭଲ ଯାଇଛି, ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି 11 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଲ୍ରେ ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କଲେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି କଲା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କରି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବି ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ରିଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯାହା ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ 11 ତାରିଖ ଚାର୍ଟର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏକାଠି ହୋଇ ଦୁଇ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲେ ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଥମେ ତପସ୍ୱିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁମିତ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାଉନ୍ସେଲିଂ ସମୟରେ ଉଭୟ ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟରଟା ବାହାରୁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଠି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଏବଂ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ହେଉ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିକନ୍ସୋଲେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆମର କାଉନ୍ସିଲର କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କେତେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବରଗଡ଼ ଧୂଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଖବର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବିରତିର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର, ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ମଞ୍ଜୁଲତା କହଁର। ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାକି ରହିଥିବା ଅନେକ କାମକୁ ଶେଷ କରାଇବା ସହ ରାଜଧାନୀକୁ 1 ନମ୍ବର କରାଇବା ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର, ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲେ। ପୌର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମଜିତ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 67 ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାକି ରହିଥିବା ଅନେକ କାମକୁ ଶେଷ କରାଇବା ସହ ରାଜଧାନୀକୁ 1 ନମ୍ବର କରାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତାକୁ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦିଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁକା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏକ ଟିମ୍ ଭଳି ବିଧାୟକମାନେ, କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଆଉ ମେୟର ଡେପୁଟି ମେୟର ମିଶିକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସହରକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ମେୟରଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ପରେ
डेपुटी मेयर पर आरंभ होता नोमिनेशन प्रक्रिया बीजेडी पक्ष 22 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर मंजुलता करों ना दल पक्ष एकमात्र प्रार्थी भाव सुपारिश होता बीएमसी में मोट 67 वार्ड मध्य चलित थर बीजेडी हाथ में 48 बीजेपी 10 और 9 जन स्वाधीन कॉर्पोरेटर अच्छा मंजुलता कर प्रथम थर निर्वाचित होता बेले एथर आदिवासी महिला कार्ड खेली बीजेडी भुवनेश्वर महानगर निगम मेयर महिला भाव थे डेपुटी मेयर भी महिला भाग में पड़ी महिला विकास कार्य आगक ने डेपुटी मेयर सेपटे स्वाधीन विजयी महिला कॉर्पोरेटर कहते सरकार चलिए विकास कार्य करेंगे किंतु सरकार सालिश करेंगे ना आम भुवनेश्वर महानगर निगम समस्त जनसाधारण आशीर्वाद भल पाइबा जो यही दायित्व मत मिली तेणु तक प्रति मोर दायित्व रहा भलमंद सुख दुखे निश्चय सहभागी महिला मानक तो मानवरंग सब गुरुत्व दे आसमी मेम्बर तेणु एसएचजी ग्रुप र जहाँ महिला मैंने अच्छा किपर आत्मनिर्भरशील हो पारे से प्रति मुझे निश्चय ध्यान देवी आमको सरकार हाथ धरिकी ही चलने को पड़ा जेहेतु सरकार योजनामूलक कम सरकार योजना तेणु आमको सब योजना कार्यकारी कर सरकार हाथ धरिया को निहाती पड़ो नुआकरी बीएमसी रो मेयर होता सुलोचना दास को आगे एवं अनेक चैलेंज देखिबार बाकी जे नुआ मेयर और कॉर्पोरेटर माने राजधानी वासी को पाई केते विकास रो कार्य करबे भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट संजीव महांती को सह स्वप्नाजलि महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज राजा मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज परिसर रे रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाय छि अवसर रे मो कॉलेज अभियान रे महाविद्यालय एक साइकिल स्टैंड गृह उद्घाटन होई मो कॉलेज अभियान रा चेयरमैन आकाश दास नायक एथरे जोग देथिले अवसर रे से कहिसेंति रक्तदान एक महत्व दान जणकर किछि बुंदा रक्त अन्य जणकर जीवन बचाई पारिबो समस्ते ए काम करबा आवश्यक युवपीढ़ी माने एथि पई आगे आसीबा निहाती दरकार ए कार्यक्रम रे अन्य मानक मध्यरे भुवनेश्वर मध्य विधायक सुशांत राउत भुवनेश्वर उपजिल्लापाल देवव्रत साहू मध्य उपस्थित थिले आज पटिया स्थित राजा मधुसूदन डिग्री कॉलेज रे रक्तदान शिविर सहित एक साइकिल स्टैंड भी उद्घाटन हो समस्त छात्र छात्री कॉलेज समस्त कर्मकर्ता समस्ते आज उपस्थित थे उपस्थित रे ये रक्तदान शिविर आयोजन करा जाय छी आज बड़ खुशी कथा जी मो कॉलेज अभियान एवं पटिया कॉलेज मिलित आज पटिया कॉलेज सारे एक सुंदर कार्यक्रम हो रक्तदान ठीक महत् दान आ किसी ना गोटे अमूल्य जीवन बचा जा पाए रक्तदान पर एवं आज आम समस्त पटिया कॉलेज एकाठी होचु पटिया कॉलेज पुरातन छात्र छात्री एबकर छात्र छात्री समस्त सहायतार एवं माननीय विधायक सुशांत अच्छा सुंदर कार्यक्रम टी आयोजित सभा बारवाटी धौली एक्सप्रेस खबर जात्रा को आज इंट रखा नमस्कार।